हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एमए रसोई में। आज मैं बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप सुबह के नाश्ते में अगर खाओगे तो एनर्जी दिन भर की देगा। आज मैं दलिया खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। आज बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है। आप चाहो तो अचार के साथ या सुबह के नाश्ते के साथ भी आप खा सकते हो। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने जो एक कटोरी हमने जो दलिया लिया है, जो गेहूँ का दलिया है जी हमारा, जी घर का दलिया है हमारा, और जी हमने आधी कटोरी जो मूंग की दाल ली है। पहले हम दलिया को भून लेंगे। हमने गैस पे फ्राई पैन रख दिया है। अब इस पे हम जो दलिया को ऐड करेंगे और दलिया को हम अच्छे से भून लेंगे। हमें हल्का कलर चेंज करना है दलिया को भूनते हुए। हमारे दलिया में देखिए हल्की सी खुशबू आने लगी है। कितनी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी। हमारा दलिया हल्का भून गया है और हल्का कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो हम गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। हम दलिया को निकाल लेंगे। अब हम कुकर लेंगे, उस दलिया को इस कुकर में ऐड कर देंगे। अगर आपका दलिया बाहर का है, बाजार वाला दलिया है, तो आप धुल लें, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है धुलने की, क्योंकि ये हमारा घर का बना दलिया है, इसलिए हम इसी तरह से ऐड कर देंगे कुकर में। देखिए कुकर में हमने दलिया को ऐड कर दिया है। अब इसी में हम जो मूंग दाल को भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम पानी को ऐड करेंगे। पानी को हम 2.5 गिलास ऐड कर देंगे। हमने 2.5 गिलास पानी को ऐड कर दिया है। दलिया में हम आधी चम्मच हल्दी को ऐड करेंगे और 1 चम्मच नमक को ऐड करेंगे। इन सब को अच्छे से हम मिला लेंगे। अब जी कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब गैस पे रख देंगे हम, 1 सीटी तक आने देंगे कुकर की। हमने कुकर को गैस चूल्हे पे रख दिया है। अब 1 सीटी आने देंगे हम। कुकर की 1 सीटी आ चुकी है, प्रेशर हम बंद कर देंगे। हमें कुकर की प्रेशर को हमें निकालना नहीं है, अपने से निकल जाएगा जब तक हम तैयारी करते हैं तड़का लगाने की। गैस पे हम फ्राई पैन रखेंगे। फ्राई पैन को हम गरम करेंगे और इसमें तेल डालेंगे हम छोटे चम्मच से। 2 चम्मच तेल को हम गरम कर लेंगे। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है तो हमने 1 प्याज काट ली है इस तरीके से। इसमें हम जो प्याज को ऐड करेंगे, प्याज को हम हल्का भून लेंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे जी हरी मिर्च को। हमने 2 हरी मिर्च को इस तरीके से काट लिया है। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को ना डालें। प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे जी हमने 1 आलू को इस तरीके से काट लिया था, इसको ऐड कर लेंगे। प्याज हमने इसलिए कम पकाई है क्योंकि हमें आलूओं को फ्राई करना है, नहीं वरना हमारी जो प्याज है वो जल जाती, तो साथ ही में दोनों पक जाएंगे। अब इसमें थोड़ा ऐड करेंगे हम नमक को। नमक को हमें कम ही ऐड करना है क्योंकि दलिया में भी हमने नमक को ऐड किया है। हम अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी प्याज भी भून चुकी है, आलू है वो भी सॉफ्ट हो गया है, वो भी पक चुका है। अब इसमें हम जो एक टमाटर को हमने रख लिया था काट कर, इसे भी ऐड कर लेंगे और टमाटर को भी हम पका लेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी को 1/2 चम्मच ताकि कलर अच्छा आया है हमारी दलिया खिचड़ी का। टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे हम। देखिए हमारा आलू भी पक चुका है और हमारा टमाटर भी गल चुका है। अब हम वापस चलते हैं कुकर की तरफ। देखिए कुकर का भी प्रेशर ख़त्म हो गया है। अब हम कुकर को खोल लेंगे। देखिए हमारा दलिया भी पक चुका है। देखिए अब हम इस दलिया को इस फ्राई पैन में ऐड कर लेंगे। फ्राई पैन में हमने दलिया को ऐड कर लिया है। अब हम 5 से 6 मिनट
दलिया को इसी तरह फ्राई पैन में हम पका लेंगे। हमने 5 से 6 मिनट हमने दलिया को इस तरीके से हमने पका लिया है। देखिए हमारी दलिया खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप इस तरीके से दलिया खिचड़ी ज़रूर बनाएं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे जी धनिया। आप चाहो तो सुबह के नाश्ते में भी बना के आप खा सकते हो या फिर जब कभी आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो आप खा सकते हो। बहुत ही हेल्दी होता है दलिया खाना। देखिए हमारा दलिया खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।